जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं रघुनाथ जी के नाम की वंदना करता हूँ। कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मैं रूप में बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वेदों का प्राण है। इस राम नाम के मंत्र को भगवान शंकर जपते हैं। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि के लोग इस राम नाम को जपते हैं। उनका मानना है कि राम कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम नाम जपने वाले को कोई चिंता नहीं सताती। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। श्री राम का नाम कल्प तरु के समान है। कलयुग जोग न जग्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज ही राम, भज राम ही प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। जो सब भरोसे त्याग कर श्री राम का नाम सिमरन करता है और उनके गुणों का गान करता है, श्री राम का नाम जपने वाली वह भव सागर से तर जाता है। श्री राम का नाम जपने वाला वह भव सागर से तर जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप तो कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भव तर बिन ही प्रयास। अगर आप विश्वास करें तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में श्री राम के निर्मल गुणों का गान कर मनुष्य संसार रूपी भवसागर से बिना परिश्रम ही तर जाता है, बिना परिश्रम ही तर जाता है। भगवान नाम जप योग के आध्यात्मिक एवं लौकिक पक्ष का सुंदर समन्वय करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंचात्मक दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूप दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जीभ द्वारा भगवान नाम का जप करके उसे जान लेते हैं। वे जीभ द्वारा भगवान नाम का जप करके उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के आकांक्षी साधक लय योग द्वारा भगवान नाम जप कर सिद्धियां प्राप्त कर सिद्ध हो जाया करते हैं। इसी प्रकार जब संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं जय श्री राधे।